सरायपाले में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम पैकिंग से एक ट्रक अवैध धान को जब्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि सरायपाले के धान खरीदी केंद्र में उड़ीसा से आया हुआ एक अवैध धान का ट्रक खाली हो रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन समेत अन्य अधिकारियों की टीम ने ग्राम पैकिंग पहुंचकर प्रभास मिश्रा के यहां खाली हो रहे एक ट्रक धान की जांच की और जांच में शिकायत को सही पाया गया। इस क्रम में प्रभास मिश्रा ने सीमावर्ती राज्य उड़ीसा सोहेला से लाकर धान को अपने घर में खाली कर समर्थन मूल्य पर पट्टे पर बेचने की बात को कबूल किया। प्रभास मिश्रा ने बयान को दर्ज करते हुए एक ट्रक धान 343 पैकेट को ट्रक समेत जब्त कर सिघोड़ा थाने के सुपुर्द किया और इस मामले का प्रकरण बनाकर कलेक्टर खाद्य शाखा महासमुंद को भेजा गया। जैसे कि हमें कल जानकारी प्राप्त हुई थी कि इंग्राम पैकिंग में उड़ीसा से एक ट्रक आया जिसके द्वारा धान खाली किया जा रहा था। मौके पर तत्काल हमारे द्वारा राजस्व और मंडी की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई, विधिवत जांच किया गया। जांच के जाने पर धान अवैध प्राप्त किया गया और तत्काल जब्ती करके थाने में सुपुर्दी कार्रवाई कर दी गई। अभी तो फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, इसका फिलहाल जो धान आया था उसका उद्देश्य जो हमारे यहाँ धान उपार्जन चल रहा है उसमें खपाने का ही उद्देश्य था उसके द्वारा है। बाकी पूर्ण जानकारी मैं आप लोग को प्रेस रिलीज के माध्यम से किस व्यक्ति का था वो उपलब्ध करवा। सर, धान उड़ीसा से एक ट्रक धान ग्राम पैकिंग प्रभास मिश्रा के यहाँ उतरना पाया गया, जिसमें गाड़ी नंबर है OD17F0238 और जिसमें 343 पैकेट लगभग 137-138 कुंटल धान होता है उतारा जा रहा था उसी समय, और आधा उतार के अपने गोदाम में खाली कर चुका था, जिसे हमारी सरायपाली प्रशासन की संयुक्त टीम माननीय तहसीलदार महोदय या उनकी टीम और मंडी प्रशासन क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम द्वारा उसको जब्ती की कार्रवाई की गई और सिंहरा थानों को सुपुर्दगी नामे में दिया गया है।